वेलकम टू वर्ल्ड बिगेस्ट शिव टेम्पल। पूरे वर्ल्ड में, भारतवर्ष में जितना भी शिव टेम्पल है उसके अंदर सबसे बड़ा है ये देवाधिदेव महादेव का टेम्पल। ओडिशा पूरी भुवनेश्वर का त्रिभुवनेश्वर ये लिंगराज टेम्पल। ये टेम्पल भगवान शिव जी का एक रूप हरिहर को समर्पित है। भगवान शिव जी का द्वादश ज्योतिर्लिंग का अंश बतर है ये लिंगराज टेम्पल। इसलिए आप अगर महादेव का परम भक्त हो तो आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के साथ आपको ये देवाधिदेव महादेव का सबसे बिगेस्ट टेम्पल ये लिंगराज टेम्पल का दर्शन भी आपको करना चाहिए। ये है त्रिभुवनेश्वर टेम्पल। श्री जगन्नाथपुरी दर्शन करने के बाद आप कैसे ये लिंगराज टेम्पल बजट में बाईपास या फिर ओला उबेर या फिर लोकल टैक्सी कैब बुक करके आप कैसे लिंगराज टेम्पल आ सकते हो, मंदिर परिसर में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, इधर स्टे ऑप्शन क्या है, लिंगराज टेम्पल दर्शन करने से पहले आपको कौन सा टेम्पल का दर्शन करना चाहिए, लिंगराज टेम्पल का महाप्रसाद भोग आपको कहाँ पे मिलेगा, उसका टाइमिंग्स क्या है, कितना कॉस्ट लगेगा, ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये वीडियो में शेयर करूंगा। हैशटैग इंडियन टेम्पल वीडियो, हैशटैग इनक्रेडिबल इंडिया के साथ आज का ये वर्चुअल टूर की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड सौरभ राज और आप देख रहे हो राइट राइडर्स। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लिंगराज टेम्पल का वर्चुअल टूर। पूरी भुवनेश्वर या फिर लिंगराज टेम्पल आने का बेस्ट टाइम है विंटर। विंटर के टाइम आप अगर आओगे तो आराम से आप घूम सकते हो, और दूसरे टाइम में आप अगर आओगे ना तो आपको बहुत धूप मिलेगा और गर्मी भी बहुत रहता है। इधर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट से लिंगराज टेम्पल का डिस्टेंस है 4 और 5 किलोमीटर। जगन्नाथपुरी से ये टेम्पल का डिस्टेंस है ओनली 56 किलोमीटर। से आप बाईपास ओनली 50 रुपीज दे के ये टेम्पल आ सकते हो। मैं ओडिशा का जोड़ा सिटी से लिंगराज टेम्पल के लिए बाईपास ट्रैवल किया था। लिंगराज टेम्पल के लिए मैं उड़ीसा का जोड़ा सिटी से ट्रैवल करूंगा। जोड़ा से भुवनेश्वर का डिस्टेंस है अप्रोक्स 300 किलोमीटर। ये 300 किलोमीटर मैं ये वोल्वो एसी बस में ट्रैवल करूंगा। ये देखिए, ये है बस। बस का अंदर का थोड़ा सा इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। आपको 36 पैसेंजर सीटिंग फैसिलिटी एंड 16 पैसेंजर स्लीपिंग फैसिलिटी अवेलेबल है ये वोल्वो एसी बस में। बस का इंटीरियर डिजाइन और लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत है। ये बस में मैं स्लीपिंग कोच लिया था। आइए देखते हैं स्लीपिंग कोच में ये बस में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल था। शू रखने के लिए अलग से एक जगह है और पानी का बोतल, और इधर देखिए इधर एसी आप एडजस्ट कर सकते हो। ये भी एसी, हवा निकल रहा है बाहर, और इधर USB है, लाइट है। ये बस का जो टिकट प्राइस है, सीटिंग टिकट प्राइस था 500 और स्लीपर टिकट प्राइस है 600, और बस पूरा आधा खाली जा रहा है भुवनेश्वर तक। इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्टर को बोला, थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि मुझे स्लीपर देने के लिए वही 500 में। कॉन्ट्रैक्टर भैया मुझे स्लीपर अलॉट कर दिया। अभी इधर से होके जाएंगे भुवनेश्वर तक, और स्लीपर भी बहुत कंफर्टेबल है। सीट देखिए पूरा एकदम स्पॉन्ज का है, बहुत नरम है, अच्छा है। चलिए अभी मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में भुवनेश्वर पहुंच के। गुड मॉर्निंग, अभी 6 बज गया और अभी मैं हूँ भुवनेश्वर का बारमुंडा बस स्टैंड से। आप चाहे लिंगराज टेम्पल जाइए या पुरी जाइए, आपको पुरी या फिर लिंगराज टेम्पल के लिए बस आपको बारमुंडा बस स्टैंड से ही मिलेगा। ये देखिए पीछे, ये है बारमुंडा बस स्टैंड। बारमुंडा बस स्टैंड में ही पे एंड यूज टॉयलेट है, उधर मैं नहा के फ्रेश होके आगे यात्रा कंटिन्यू करूँगा। मैं इधर नहाया, फ्रेश हुआ, और अभी ब्रेकफास्ट करेंगे टेम्पल में पहुँच के। उधर पहुँच के देखते हैं उधर आसपास में क्या खाना मिलता है, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इधर से क्या मिलेगा मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। बारमुंडा बस स्टैंड से ऑटो रिजर्व करके या फिर बाईपास भी आप लिंगराज टेम्पल जा सकते हो। लिंगराज टेम्पल जाने के लिए आप 32 नंबर बस पकड़िए। ये लिंगराज टेम्पल जाएगा, बारमुंडा बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगा। आप चाहो तो उधर से ओला ऑटो में जा सकते हो। ओला ऑटो में चार्जेस था 140 रुपये। ओला बाइक में जाओगे तो उसका प्राइस था 80 रुपीज़। मैं बस पकड़ा हूँ, बस का नंबर है 30 नंबर बस लिंगराज टेम्पल जाता है बारमुंडा बस स्टैंड से, और इसका प्राइस है ओनली 20 रुपये। मॉर्निंग 8 बजे मैं लिंगराज टेम्पल पहुँच गया।
ये है लिंगराज टेम्पल बस स्टैंड, 32 नंबर बस। लिंगराज टेम्पल के लिए एक प्रसाद जा रहा है, जो भोग होता है ना लिंगराज टेम्पल के अंदर, इधर से सब रेडी होके जाएगा। उधर अंदर रसोई घर है, रसोई घर में लिंगराज टेम्पल का भोग रेडी होगा उधर, और ये भोग मिलेगा आनंद बाजार जिधर वो भोग एरिया है उधर मिलेगा इसका प्रसाद भोग। ये है लिंगराज टेम्पल का एकदम फ्रंट साइड एरिया, मतलब एकदम आगे का एरिया, और ये देखिए ये है एंट्रेंस मंदिर के अंदर जाने के लिए, ये है एंट्रेंस। इसका राइट साइड में है बस स्टैंड, बस से उतर के उधर से आया, उधर बस खड़ा है 32 नंबर बस। इधर से आप अगर फिर से बारमुंडा बस स्टैंड जाना चाहते हो, पूरी जाना चाहते हो, तो इधर से आप बस पकड़िए, बस पकड़ के आप बारमुंडा बस स्टैंड में जाइए, उधर से आपको एयरपोर्ट या फिर पूरी जाने के लिए बसेस मिल जाएगा। मंदिर का आगे यहाँ पर बहुत सारा पूजा सामग्री परचेस दुकान आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप फूल बेलपत्ता या फिर प्रसाद परचेस कीजिए, प्रसाद परचेस करके आप मंदिर के अंदर जा सकते हो। चलिए मैं अभी मंदिर के अंदर जाता हूँ। मंदिर के अंदर तो कैमरा और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बाहर से आपको जितना हो सके वो पूरा आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। मेन गेट से अंदर आके आपको लेफ्ट हैंड साइड से आना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ऊपर एक शेड है, इस शेड के नीचे से आपको मंदिर के लिए आगे जाना है। मेन गेट जहाँ से एंट्री किए थे उधर दो टेंपल था, और इधर देखिए इधर भी एक टेंपल है। चलिए टेंपल के आगे ले जाके ये कौन सा भगवान का टेंपल है देखते हैं। बट ये टेंपल भी बंद है, ये नीचे गेट है, नीचे जाने का रास्ता भी है लेकिन बंद है, कोई नहीं जा सकता इसके अंदर, कोई भगवान का मूर्ति भी अंदर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए पहले मंदिर का चारों साइड परिक्रमा करते हैं। ये है मंदिर का ईस्ट साइड एरिया, ईस्ट साइड में है एंट्री गेट सिंह द्वार। ये है मंदिर का एंट्री गेट का लेफ्ट साउथ साइड एरिया। ये है मंदिर का लेफ्ट साइड एरिया, ये जो वॉल जो है वॉल का नीचे इधर लोकल बाजार बैठे है, इधर से जो लोकल जो पीपल है जो इधर रहते हैं ये सब इधर से ये सब्जी परचेस करते हैं। इधर मंदिर का एकदम लेफ्ट हैंड साइड में भी एक द्वार है, देखिए छोटा सा एक द्वार है, इधर से सिर्फ मंदिर का पुजारी लोग एंट्री कर सकता है। ये है मंदिर का एकदम बैक साइड एरिया, लिंगराज टेम्पल का एकदम पीछे है बीएमसी हॉस्पिटल। टेम्पल का एकदम बैक साइड में भी आपको बहुत सारा टेम्पल मिल जाएगा, और इधर देखिए इधर एक छोटा सा पॉन्ट, और पॉन्ट का जस्ट पीछे इधर तीन छोटे छोटे मंदिर है। मंदिर का चारों साइड आप मेरे जैसा परिक्रमा कर सकते हो। ये है मंदिर एंट्री गेट का राइट नॉर्थ साइड एरिया, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है। ये है मंदिर का राइट साइड एरिया, और यहाँ से आप ऊपर चढ़ के मंदिर के अंदर दर्शन कर सकते हो, मतलब जो नॉन हिंदू है वो नॉन हिंदू इधर से मंदिर के अंदर दर्शन कर सकता है। चलिए आपको ऊपर ले जाते हैं, और इधर भी एक दरवाज़ा है लेकिन ये भी बंद है। इस स्टेज बैल्कनी से आप मंदिर के अंदर बहुत अच्छा व्यू देख पाओगे। जगन्नाथपुरी के जैसा ये मंदिर में भी नॉन हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता है, जो नॉन हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता है उनके लिए ये मंदिर का राइट हैंड साइड एक बेदी बना है, मतलब एक स्टेज क्राइब एक बना है, इधर आप आके आप मंदिर का दर्शन कर सकते हो, और इधर से आपको मंदिर का बहुत ही खूबसूरत दर्शन आपको मिलेगा। यहाँ से आप दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए भगवान को, आप अपना मन की बात आप बोलिए, भगवान आपका मन की बात जरूर सुनेगा। ये टेम्पल का टोटल एरिया 150 मीटर वर्गाकार, टेम्पल का हाइट 180 फीट एंड टेम्पल के ऊपर जो कलश है कलश का हाइट 40 फीट। टेम्पल में आप बहुत ही खूबसूरत नक्काशी देख पाओगे।
ये है मंदिर का मेन गेट, ये गेट से ही आपको एंट्री करना पड़ेगा मंदिर के अंदर। और अंदर आके ये है सभागृह, ये है भोग मंडप, ये है गर्भगृह। इसके अंदर ही भगवान शिव जी विराजमान है। भगवान शिव जी के साथ नारायण का भी इधर पूजा होता है, क्योंकि इधर शिवलिंग के ऊपर है सालोग्राम शिला, इसलिए इधर पूजा में तुलसी पत्ता नारायण जी के लिए एंड बेल पत्ता शिव जी के लिए पूजा में यूज होता है। बट ये लिंगराज टेम्पल दर्शन करने से पहले आपको टेम्पल का एकदम राइट साइड उधर है बिंदुसागर लेक, बिंदुसागर लेक और उसका सामने है अनंत वासुदेव टेम्पल। अनंत वासुदेव टेम्पल का दर्शन आपको जरूर करना चाहिए। पहले आप बिंदुसागर लेक में आप नहाइए, बिंदुसागर लेक में नहा के आप अनंत वासुदेव टेम्पल का दर्शन कीजिए, उधर भगवान का दर्शन कीजिए, फिर आप लिंगराज टेम्पल का दर्शन कीजिए। कहते हैं बिंदुसागर जो लेक जो है वो लेक भगवान शिव जी माता पार्वती के लिए त्रिशूल से बनाया था। चलिए अभी दर्शन करते हैं वो बिंदुसागर लेक का। ये है लिंगराज टेम्पल का राइट साइड एरिया और इधर भी सब इधर बाइक रखे हैं, लेकिन ये पार्किंग नहीं है, लेकिन इधर ऑटो स्टैंड है, इधर से आप ऑटो लेकर भी आप जा सकते हो सिटी के अंदर। और इधर आपको पूजा सामग्री परचेस दुकान मिल जाएगा, इधर से आप फूल बेलपत्ता परचेस कीजिए, परचेस करके आप मंदिर के अंदर प्रवेश कीजिए। तीस वाला एक दीजिए, कोकोनट का प्राइस है इधर ओनली 30 रुपये, 30-40 रुपये है इधर चार्जेस। बिंदुसागर एंड अनंत वासुदेव टेम्पल जाने के लिए लिंगराज टेम्पल का आगे से एक रास्ता आ रहा है, ये रास्ते से आपको सीधा जाना है इस साइड। इस साइड जाओगे तो आपको बिंदुसागर एंड अनंत वासुदेव टेम्पल मिलेगा, थोड़ा सा ही जाना होगा 100 मीटर। ब्रेकफास्ट करने के लिए भी आपको बहुत सारे दुकान मिल जाएगा, ये देखिए विथआउट ओनियन गार्लिक खाना इधर मिलेगा, पूरा निरामिष खाना है। ब्रेकफास्ट के लिए आप इधर से ये बड़ा पूरी, फिर भैया उसको क्या कहते हैं, पूरी चकली, चकली पूरी चकली, ये सब खाना इधर खा सकते हो ब्रेकफास्ट में। दही बड़ा इडली आपको इधर ब्रेकफास्ट में मिल जाएगा। मंदिर का ये राइट साइड में स्ट्रीट फूड के साथ आपको बहुत सारा पूजा सामग्री का दुकान मिल जाएगा। यहाँ पे सब पूजा सामग्री का दुकान है, आप इधर से पूजा सामग्री परचेस कर सकते हो। इसका प्राइस क्या है भैया? 100 रुपीस। 100 रुपीस में आपको दूध, नारियल, बेलपत्री फूल, दीपक आएगा, ये पूरा सेट 100 रुपीस का है। आप अगर चाहो तो इससे भी सस्ते में भी आप पूजा सामग्री परचेस कर सकते हो। लिंगराज टेम्पल से आगे आओगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में इधर भवानी शंकर टेम्पल मिलेगा। 14th century में ये मंदिर निर्माण हुआ था। और बिंदुसागर लेक और अनंत वासुदेव टेम्पल के लिए आपको आगे जाना है। और ए रोड का राइट हैंड साइड है, यहाँ पर बहुत सारे धर्मशाला अवेलेबल है। इधर देखिए, इधर भी एक टेम्पल है, ये टेम्पल का नाम है तीर्थेश्वर टेम्पल। 14th century में ये टेम्पल निर्माण हुआ था। इधर दो धर्मशाला है, एक धर्मशाला और आगे भी एक धर्मशाला है। ये धर्मशाला का निर्माण 1923 में हुआ था, ये देखिए इधर लिखा है 1923। ये है धर्मशाला, यहाँ पे आपको 100 रुपीस या फिर 200 रुपीस में मिल जाएगा। ये फ़ोन कॉल या फिर एडवांस बुकिंग नहीं होता है, आपको इधर ही आके आपको रूम बुकिंग करना है। लिंगराज टेम्पल के लिए देखिए ये प्रसाद जा रहा है, द टेम्पल के अंदर रेडी होगा प्रसाद। लिंगराज टेम्पल से थोड़ा आगे आने के बाद ही लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पाओगे बहुत ही खूबसूरत बिंदुसागर लेक, और वो है अनंत वासुदेव टेम्पल का एंट्री गेट। और उसके थोड़ा आगे ये है हनुमान जी का एक मंदिर, और मंदिर का साइड से ही, राइट हैंड साइड से ही आनंद बाजार एरिया जाने का रास्ता है। ये आनंद बाजार एरिया है जहाँ पे लिंगराज टेम्पल और अनंत वासुदेव टेम्पल का महाप्रसाद भोग मिलता है, इधर से ही मिलेगा, लेकिन एक बजे ओपन होगा। चलिए पहले दर्शन करते हैं अनंत वासुदेव टेम्पल का। ये है अनंत वासुदेव टेम्पल का एंट्री गेट, और गेट का सामने है हनुमान जी का मंदिर, और
ये है बिंदुसागर जाने के लिए घाट। यहाँ पे आप नहाइए, नहा के आप मंदिर के अंदर प्रवेश कीजिए। और टेंपल का राइट हैंड साइड में उधर शू स्टैंड है, शू स्टैंड में आप अपना शू रख के मंदिर के अंदर प्रवेश करो। पूरे इंडिया में टोटल 56 पिंडोदान देने का प्लेसेस है। उसके अंदर एक है अनंत वासुदेव टेंपल का सामने बिंदुसागर लेक का पास में। इधर भी आप अपना पूर्व पुरुष का अगर पिंडोदान दोगे तो पूर्व पुरुष का मुक्ति लाभ हो जाएगा। बिंदुसागर लेक का एकदम मिडिल में है नारायणी टेंपल। अक्षय तृतीया के दिन भगवान शिव जी का ये बिंदुसागर लेक में परिक्रमा होता है, तब यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। और ये टेंपल का चारों साइड आपको बहुत सारा अनेक प्रकार टेंपल देखने को आपको मिल जाएगा। ये लेक का लेंथ 1480 फीट, ब्रेथ 600 फीट एंड डेप्थ 23 फीट। मैं इधर नहीं नहाऊंगा, इधर थोड़ा सा पानी माथे पे ले लेते हैं। आप भी अगर नहीं नहाओगे तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन शास्त्र के हिसाब से आपको इधर नहाना चाहिए। चलिए अभी पहले दर्शन करते हैं अनंत वासुदेव टेंपल का। ये मेन गेट का सामने ऊपर देखिए, इधर श्री कृष्ण का अनेक अवतार का ड्राइंग किया है, बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग किया है पूरा वॉल में। और गेट का ऊपर यहाँ पे है महालक्ष्मी माता का एक पिक्चर। महालक्ष्मी को प्रणाम करके अब मंदिर के अंदर प्रवेश करो। मंदिर के अंदर प्रवेश करके लेफ्ट हैंड साइड में है रसोई घर जाने का रास्ता, उधर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। और इधर से आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। और यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है। 13th सेंचुरी राजा भानुदेव का समय काल में रानी चंद्रिका देवी ये मंदिर प्रतिष्ठा किया था। टेम्पल में आप बहुत ही उत्कृष्ट कलाकृति देख पाओगे, ये देखिए बहुत ही सुंदर। ये है मंदिर का बैक साइड एरिया, यहाँ पे सब मंदिर का भोग प्रसाद यहाँ पे रेडी हो रहा है। और इसका पीछे है 22 रसोई घर। तो वासुदेव मंदिर के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, वो वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनंत वासुदेव टेंपल के अंदर भगवान श्री कृष्ण एंड सुभद्रा जी विराजमान है। भगवान के सामने भोग निवेदन करने के बाद पुरोहित लोग भोग आनंद बाजार एरिया में ले आते हैं। ये है आनंद बाजार एरिया, यहाँ पे दोपहर 2 बजे से भोग मिलता है। और यहाँ पे देखिए ये सब इधर पे सब आपको भोग मिलेगा। यहाँ पर एवरी डे करीब 2000 के ऊपर लोगों के लिए इधर प्रसाद मिलेगा, महाभोग मिलेगा। इधर ऐसा 20 दुकानें हैं, ऐसा आप इधर से महाप्रसाद ले सकते हो, घर के लिए भी ले जा सकते हो इधर से। और उधर उस साइड सब दुकान है, सब 1 बजे सब खुल जाएगा। अभी तो टाइम है 10 बज गए, अभी शायद आज लगता है कि 12-1 बजे से इधर से भोग स्टार्ट हो जाएगा। जगन्नाथपुरी के जैसा इधर भी एक ही बर्तन में भगवान के लिए महाप्रसाद बनते हैं। एक बार महाप्रसाद बनने के बाद ये बर्तन को तोड़ा जाता है। यहाँ का जो महाप्रसाद बनने का जो प्रोसेस जो है वो जगन्नाथपुरी के जैसा ही है। अनंत वासुदेव का दर्शन कर लिया, उधर भगवान का दर्शन किया, अभी मैं जाऊँगा लिंगराज टेम्पल में महादेव का दर्शन करने, फिर इधर आके मैं भोजन करूँगा। मैं मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया अभी तक, इसलिए नहीं खाया, मैं भगवान का दर्शन करने के बाद ही भोजन करूँगा, महाप्रसाद खाऊँगा, इसलिए मैं अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। वो दोपहर 11 बजे 12 बजे या फिर 1 बजे जितना बजे महाप्रसाद मिलेगा तब मैं भोजन करूँगा। अनंत वासुदेव भगवान को प्रणाम करके मैं आया लिंगराज टेम्पल में पूजा देने के लिए। लिंगराज टेम्पल का जस्ट आगे आपको एक पॉन्ड मिलेगा, ये बहुत ही पवित्र पॉन्ड है। और ये पॉन्ड का चारों साइड आपको 108 मंदिर दिखेगा। अभी तो 108 मंदिर नहीं है, अभी कुछ मंदिर इधर बचे हैं। इसका कुछ नाम है क्या, ये इसका कुछ नाम है? देवी पादहरा। देवी देवी पादहरा, देवी पादहरा माता ने यहाँ पे एक असुर को वध किया था। असुर को? अच्छा। कीर्ति और वास दोनों भाई थे यहाँ पे, दुष्ट दानव है।
यहाँ पे वध किया था माँ ने। इस टेंपल का राइट हैंड साइड में इधर भी एक महादेव का मंदिर है और इधर देखिए इधर गणेश टेंपल है, यहाँ पे गणेश पूजा हो रहा है इधर। मेरा पीछे ये है मेन टेंपल का एंट्रेंस, यहाँ से आपको एंट्री लेना पड़ेगा। और टेंपल का लेफ्ट हैंड साइड में ये है शू काउंटर, इधर अपना शू रखिए, शू रख के आप टेंपल के अंदर प्रवेश कीजिए। इधर आप अपना मोबाइल कैमरा भी छोड़ सकते हो, मंदिर के अंदर कैमरा मोबाइल स्मार्ट वॉच ये सब अलाउ नहीं है। ये है मेन मंदिर का एंट्रेंस, यहाँ से आगे आपको मैं मोबाइल लेके आगे मैं नहीं जा सकता और आपको दिखा नहीं सकता। आगे मंदिर के आगे ये है सिंह द्वार, आगे ये चार सिंह विराजमान है और ऊपर देखिए ऊपर भगवान शिव जी का अलग अलग रूप इधर डिजाइन ड्राइंग किया है। अपना मोबाइल शू बेल्ट डिपॉजिट करके लेफ्ट हैंड साइड में सिक्योरिटी चेकिंग करके आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। मैं टेंपल का बाहर से वीडियो जूम करके मैं अंदर का कुछ व्यू आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। मंदिर के अंदर प्रवेश करके ही लेफ्ट हैंड साइड में पहला है सिद्धिदाता गणेश जी का मंदिर, गणेश जी के साथ और भी बहुत सारे भगवान का मंदिर आपको अंदर मिल जाएगा। मैं टेंपल के अंदर पूजा देने के लिए 2 घंटा रुका था। मंदिर के अंदर मेरा बहुत अच्छा से दर्शन हो गया। पहले मैं 20 रुपये दे के फूल और बेलपत्ता लेके पहले मैं गणेश जी का पूजा किया था, उधर पुष्पांजलि दिया गणेश जी का, उसके बाद महादेव और नारायण जी का जो शिवलिंग है उधर मैंने पूजा दिया। और उधर पूजा देने के लिए मुझे 100 रुपीज़ उधर अंदर ब्राह्मण को पूजा देने के लिए मुझे देना पड़ा। उधर लिंगराज भगवान का पूजा देने के लिए भी मैं 50 रुपये का पूजा सामग्री परचेस किया था। ये है मेन टेंपल, मेन टेंपल का जस्ट ऑपोजिट साइड आपको बहुत बड़ा सा एक ओपन स्पेस मिलेगा, इधर आप बैठ के थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। लिंगराज टेंपल में पूजा देने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ आनंद बाजार एरिया में, आनंद बाजार एरिया में उधर महाप्रसाद महाभोग भोजन करेंगे। ये है आनंद बाजार एरिया एंट्री गेट, एंट्री गेट का राइट हैंड साइड में शू काउंटर है, इधर आप अपना शू रख के आपको ऐसा टोकन मिलेगा। आनंद बाजार एरिया में प्रवेश करके ये गेट से प्रवेश करके आपको लेफ्ट हैंड साइड में इधर से आपको पत्ता नमक और नींबू ले सकते हो 5 या फिर 10 रुपये दे के। यहाँ पे देखिए सब यहाँ पे महाप्रसाद भोजन कर रहे हैं सब इधर बैठ के। इधर जितना भी दुकान है सब दुकानदार बिजी है महाप्रसाद सेल करने के लिए। पूरा 1 घंटा वेट करने के बाद फाइनली मुझे महाप्रसाद महाभोग मिल गया। ये देखिए ये मुझे मिला, ये 100 रुपीज़ में मुझे मिला। ये इस पे है घी अन्न और ये है दाल और ये साग और ये चटनी, मीठा चटनी है ये। और पत्ता मैं 5 रुपये दे के पत्ता लिया अलग से। ये महाभोग इतना सुंदर है, खाना इतना अच्छा है, आप जब खाओगे ना तब तब मालूम पड़ेगा कि कितना सुंदर है और इसका टेस्ट लाजवाब है, एकदम पूरा लाजवाब। मेक श्योर खाना खाने के बाद आप ये पत्ता ये सब डस्टबिन में ही फेंकिए। और इधर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लिंगराज टेंपल दर्शन करने के बाद आप अगर भुवनेश्वर का और 2 फेमस स्पॉट उदयगिरी और खंडगिरी विजिट करना चाहते हो तो मंदिर से बाहर निकल के आपको राइट हैंड साइड में आना है। राइट हैंड साइड में देखिए इधर बस इधर अवेलेबल हो जाएगा, ये 32 नंबर बस है, ये बस आपको लेके जाएगा बारमुंडा, बारमुंडा से आपको फिर 27 या फिर 28 नंबर बस पकड़ के जाना है उदयगिरी और खंडगिरी। मैं अभी जाऊँगा उदयगिरी खंडगिरी। बस में पहले 20 रुपये दे के बारमुंडा बस स्टैंड, फिर बारमुंडा बस स्टैंड से ऑटो में ओनली 10 रुपये दे के 2 किलोमीटर दूर उदयगिरी खंडगिरी पहुँचे थे। उदयगिरी खंडगिरी के लिए QR कोड स्कैन करके 20 रुपये पे करके मोबाइल में टिकट सिक्योरिटी गार्ड को दिखा के आपको उदयगिरी खंडगिरी हिल्स के अंदर प्रवेश करना है। लिंगराज टेंपल एंड अनंत वासुदेव टेंपल दर्शन करने के बाद आप 2-3 घंटे में ये उदयगिरी खंडगिरी हिल्स एक्सप्लोर करो। हिल्स का ऊपर से भुवनेश्वर सिटी का बहुत अच्छा व्यू मिलता है
और आप इधर से बहुत अच्छा सनसेट भी एंजॉय कर सकते हो। इधर सिक्योरिटी इतना ज़्यादा टाइट नहीं है, बट आप ये खूबसूरत स्कल्पचर के ऊपर उठ के पिक्चर लेने का कोशिश मत कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप लोग बहुत अच्छा रहिए, खुश रहिए आप लोग।